दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय तिरुपति कॉटन सीड ऑयल, मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अपनी दोस्त ने होस्ट हूँ जनिशा, अभी पहुंची छु मार्टिनोज पिज्जा। मार्टिनोज पिज्जा में आज अपने बे नवी पिज्जा नी वैरायटी सीखीशु, तो चालो शुरू करिए फूड कोर्ट नी आ सफर। तिरुपति प्रेजेंट फूड कोर्ट शो में आज आप पहुंचा छे मार्टिनोज पिज्जा में। तो हवे अपने आज बे नवी रेसिपी सीखीशु शेफ राज पासे थी। तो अपनी साथे शेफ राज जोड़ाई चुक्या छे। तो राज जी कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त। बढ़िया। तो आज आप क्या नई रेसिपी लेके आए हैं? जी एक्चुअली हम आज बनाने वाले हैं फाइव चीज स्टफ गार्लिक ब्रेड। फाइव चीज स्टफ गार्लिक ब्रेड। यस। मित्रों अपने पिज्जा ऑर्डर करिए अने गार्लिक ब्रेड तेमा नो होय एवू तो बने ज नहीं, पिज्जा साथे गार्लिक ब्रेड तो फरजियात होय। तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, आपने इसकी शुरुआत कैसे करेंगे और इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे? एक्चुअली एक यूनिक गार्लिक ब्रेड स्टिक है, क्योंकि इसमें क्या आता है, एक पैन आता है जो इसकी साइज 8 इंच होती है। इसमें एक लोट आता है मैदे की जिसकी वेट होती है 150 ग्राम्स, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, एलापिनोज स्वीट कॉर्न, 9 चीज आता है जिसमें अपने यूज करते हैं मोजरेला, कोल ऑरेंज, कोलबी, मॉन्ट्री प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें एक साथ मिक्स करके अपने इसको स्टफिंग करते हैं। उसके बाद इसे हम ओवन में बेक करते हैं। उसके बाद जब भी हमें ऑर्डर जाते हैं, सपोज करो कि आपने हमें गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर करा, हम उसमें बटर मार के फिर उसको हम फुल पास करते हैं 245 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद ये बैक होके आता है, उसके बाद स्टफिंग करके हम वो सर्व करते हैं। तो इसको ये बनाने की रेसिपी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सबसे पहले हम 8 इंच वाले पैन में इसको रोल करेंगे। 8 इंच के पैन में? यस जी, रोल करना है इसे 8 इंच के पैन कुछ इस तरीके से अपने रोल करेंगे। इसको इसलिए करेंगे क्योंकि एज टू एज इसका जो बेस का लेबल है वो लेबल एकदम 0 to 0 रहे। मतलब घर पे भी हमें इसी तरीके का पैन यूज करना है? यस, अगर आप पे लोखंड का पैन नहीं है तो नॉन स्टिक पैन ले सकते हो। तो उसमें तो फिर कोई भी साइज चलेगा ना? कोई भी साइज चलेगा, लेकिन आप ज्यादातर यूज करें जितना बड़ा हो सके तो उसकी साइज क्या होगी, बड़ी आएगी, दिखने में भी अच्छा होगा और साइज वाइज परफेक्ट भी होगा वो। और इसमें 9 चीज का मिश्रण आएगा, इसीलिए इसे 9 चीज ही स्टफ गार्लिक ब्रेड। 5 चीज। 5 चीज। यस ओके, 5 चीज ही स्टफ गार्लिक ब्रेड। और कितने मिनट में रेडी हो जाएगा ये बेस? लगभग 5 से 7 मिनट में रेडी होगा बेस। इसका 5 से 7 मिनट में रेडी जी। बेस रेडी होते ही हम इसे प्रूफिंग के लिए रखते हैं 5 मिनट। 5 मिनट प्रूफिंग के बाद इसे हम सर्व कर सकते हैं ओवन में बेक करने के बाद। तो ये रेडी हो चुका है? ये रेडी हो चुका है। इसमें हम अभी सबसे पहले ओरेगानो इसमें स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले ओरेगानो डालेंगे इसमें ताकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा आए। इसको मतलब स्वाद के अनुसार हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। मतलब ये भी क्वांटिटी वाइज ऐसा रहेगा कि आपको इसमें 25 से 30 ग्राम स्वीट कॉर्न ऐड करना है। 25 से 30 ग्राम स्वीट कॉर्न ऐड करना है। 15 से 20 ग्राम आपको इसमें एलापिनोज ऐड करना रहेंगे, जो एलापिनोज होंगे उसकी कटिंग हुई होगी। और इनके अलावा और कोई अगर वेजिटेबल्स में अगर आपको जो चीज है अच्छा लगता है वेजिटेबल में, अगर आपको पनीर अच्छा लगता हो, आपको अगर लगता है कि नहीं आप कैप्सिकम ज्यादा प्रेफर करते हो खाने में, तो वो सब भी चीजें यूज कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि गार्लिक ब्रेड स्टिक में सिर्फ स्वीट कॉर्न या जलेपिनो ही लोग ऐड करवाते हैं। क्या आप ऑनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, कोई भी चीजें जो आपको पसंद है, आप टेस्ट वाइज आप अपना टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो। इसमें हम यूज करेंगे अभी मोजरेला एंड चेडर। यस। कितने प्रमाण में लेना है इसे? इसमें आपको लेना है 30 से 40 ग्राम। 30 से 40। सेम क्वांटिटी में भी आपको लेना है 3 चीज़ होते हैं जो मॉन्ट्री ऑरेंज और कोल्बी, ये तीनों चीज़ का मिक्सिंग होता है, ये तीनों मिक्स किया होता है, ये तीनों मिक्स किया हुआ उस चीज़ में यूज़ करेंगे हम। तीन तरह के चीज़ इसके अंदर मिक्स है? ये तीन तरह के होंगे, मॉन्ट्री ऑरेंज एंड कोल्बी, उसके बाद 2 होंगे मोजरेला एंड चेडर, टोटल 5 चीज़ हो जाते हैं इसमें। और इसमें से अगर कुछ अगर एक दो आइटम स्किप होती है तो? हाँ, आप ये मॉन्ट्री ऑरेंज कोल्बी अगर स्किप करते हो तो सिर्फ स्टिक 5 चीज के जगह सिर्फ स्टफ ब्रेड हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल स्टफ ब्रेड रहेगा। अभी इसे हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे आप? हाँ, कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, इसका जो ओपन मुंह ये है इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कर देंगे। ये तो ये डो वाला गार्लिक ब्रेड स्टिक हो गया। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जो ब्रेड आता है उसके ऊपर भी गार्लिक उसमें हम क्या करते हैं, वो
सिर्फ बटर मार के और फिर अपना स्टफिंग करके चीज डाल के हम जाने देते हैं, ये क्या थोड़ा यूनिक चीज हो जाता है? यूनिक चीज है हाँ, क्योंकि इसके अंदर पांच तरीके की चीजों का इसमें मिश्रण है। तो हम इसको इस तरह से पूरी तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसलिए क्योंकि ये चीजें क्या होगा कि ओपन ना हो, ओपन ना हो, ताकि अंदर से लीकेज ना हो। यस, अभी इसे हम अच्छी तरह से फोल्ड करने के लिए स्पून यूज करेंगे। स्पून में क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे अंदर की तरफ से, मतलब फिंगर से टैप करने के बाद स्पून लेके हमें इसे अंदर की तरफ पुश करना है। यस, ताकि वो प्रॉपर लॉक हो जाए। लॉक हो जाए, बिल्कुल। मित्रों तुम जो ही रहा छो कि गार्लिक स्टफ ब्रेड तो आपने नॉर्मल खाता होइए छे, पण आ वक्ते एक नवी गार्लिक ब्रेड स्टिक सामे आवी छे कि जेनी अंदर पांच चीज ना प्रकार जे छे ऐड करवामां आव्या छे। नॉर्मल आपणे जे खाता होइए छे ते तो जेलेपीनो अथवा तो स्वीट कॉर्न एमां ऐड होय छे, परंतु आ वक्ते एक नवी ज फाइव चीजी गार्लिक स्टफ ब्रेड आपणी सामे आवी छे। इसको इस तरीके से शेप में लाना भी जरूरी है ताकि स्टफ बाहर ना आए। यस यस, अभी इसमें हम छह पीस कट लगाएंगे जो सेंटर से पहले लेंगे हम, मतलब हम इसमें कट भी पहले ही लगा देंगे इसमें। यस, ताकि हमें काटने में आसान हो, क्योंकि ये जब पक जाएगा तो वो दिखेगा नहीं कि हमें छह पीस कौन सा काटना है, कौन सा, और वो लेबल में नहीं होगा, वो आगे पीछे हो जाएगा। हम बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले लगा दे तो हमें आसानी होगी, निशान के तौर पे उसे कट कर देना हमें, कि ताकि हमें पता कट करने में आसानी रहे। और नॉर्मली 10 से 10 मिनट में अंदर रेडी हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर ये हो गया। अभी हम इसमें केकोजिन ऑयल लगाएंगे और इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा से, क्योंकि बच्चों के लिए मतलब गार्लिक ब्रेड बच्चों को बहुत पसंद होती है, पिज्जा के बाद मतलब कंपलसरी है कि गार्लिक ब्रेड खाना ही खाना है। और अगर इसमें हम ये चीज़ वगैरह जो आपने पांच बताई है, अगर उसमें भी कुछ चीज़ अगर स्किप होगी तो चल जाएगा, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम क्या कर सकते हैं, किसी मोजरेला एंचेडा, वो तो हर एक शॉप पे मिल जाता है आपको आसानी से जी, तो आप वो यूज कर सकते हो। सिर्फ आप अगर आप मॉन्ट्री ऑरेंज कोल्बी नहीं यूज कर रहे हो तो सिर्फ मोजरेला एंड चेडार भी यूज कर सकते हो। ये अभी हो गया, इसे हम प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। प्रूफिंग के बाद इसे हम हाफ बैक करेंगे। हाफ बैक करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम वापस बटर मारने के बाद इसे फुल पास कर देंगे। फुल पास करेंगे, फुल पास इसलिए करेंगे क्योंकि ताकि जो अंदर का पूरा चीज है प्रॉपर बैक हो सके, बैक हो सके, मेल्ट हो जाए अंदर अच्छे से। तो कितने मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना है? 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम इसे प्रूफ होने के लिए छोड़ेंगे। 5 से 7 मिनट इसे प्रूफ होने ताकि देना है। ये जो इसकी साइज है छोटी अभी दिख रही है, जैसे ही प्रूफ होगा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी साइज इंक्रीज होगी। तो 5 से 7 मिनट हमें इसे छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफ बेक थी ने रेडी थी गयू छे सेफ। अब इसके बाद क्या? इसके बाद हम इसे वापस पास करेंगे, लेकिन आप इससे पहले देख सकते हो आप ब्रेड में इसका शेप कैसे हो चुका है जी। आप देखिए ये पूरा प्रूफिंग हो चुका है, प्रूफिंग हो चुका है। जो हमने इसको कट लगाया था ये सारे कट मार्क्स दिख रहे हैं हमें, मार्क्स दिख रहे हैं। यस, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब बटर अप्लाई करेंगे जिसमें गार्लिक चॉपिंग हुआ होता है, वो गार्लिक उसके अंदर चॉप करके डाला जाता है उसमें, ताकि उसमें गार्लिक का टेस्ट आ सके। इस पे हम अप्लाई करेंगे तो ये जो बैक होगा तो ये सारे एक साथ कवर हो जाते हैं, इसलिए हमें ये मार्क डालना जरूरी होता है ताकि पास होने के बाद ये हमें दिख सके और आसानी से हम कट कर सके। इसे हम अब अप्लाई करते हैं बटर वाला, बटर अप्लाई करेंगे इस पे। और कितने टेम्परेचर पे हमें इसे रखना होगा? 245 डिग्री टेम्परेचर में हमें करना रहेगा 345 मिनट्स के लिए। और बटर के अंदर हमें गार्लिक ऐड करना है? यस, गार्लिक चॉपिंग किया जाता है, एकदम फाइन चॉपिंग किया जाता है, उसके बाद बटर में उसको मिक्स किया जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है गार्लिक का आने लगे बटर में। कुछ ये हमें ऐसे अप्लाई करने के बाद इसको क्या करना है, हमें अभी पास कर देना है ताकि इसमें जो बटर का टेस्ट है अंदर तक जा सके, जा सके। अभी तो ये हमने अप्लाई कर दिया, अभी इसे हम पास करना है, ओवन में बैक करना है इसे ताकि ये चीज पूरा मेल्ट हो सके। और कितने टेम्परेचर पे कहा था आपने सर? 245 डिग्री टेम्परेचर होगा, 245 डिग्री टेम्परेचर पे इसे बैक करना है। यस, और इसकी टाइमिंग होगी 3 मिनट 45 सेकंड्स। 3 मिनट 45 सेकंड में ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे हम ओवन में रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। गार्लिक ब्रेड 5 चीज आपणो रेडी थई ग्यो छे।
बेक थईने रेडी छे एकदम। तो जी अब क्या करेंगे इसके, मतलब गार्निशिंग कैसे होगा इसका? अभी ये रेडी टू सर्व है। हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, वही बटर हम अप्लाई करेंगे जो इसमें गार्लिक पहले से है, इसे हम अप्लाई करेंगे फिर से एक बार और उसके ऊपर अप्लाई करना है। यस, ताकि हम ऊपर से जब भी इसमें हम ओरेगानो और गार्लिक पाउडर डालें तो इसमें चपक सके। ओके, अगर हम ऊपर से ऐसे ही डाल देते हैं तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा और वो टेस्ट भी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, इसके लिए हम सबसे पहले बटर अप्लाई किए। ये ओरेगानो का मिक्सिंग है, ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। ओरेगानो और चिली फ्लेक्स हम ओरेगानो इसमें अप्लाई करेंगे, ये भी टेस्ट वाइज ही करेंगे। उसके बाद हम इसमें गार्लिक पाउडर अप्लाई करेंगे और गार्लिक पाउडर उसमें हमें ऐड करना yes. है, मतलब बटर के अंदर तो है ही, उसके बावजूद भी हमें इसके ऊपर अलग से ऐड करना है ताकि वो और अच्छा टेस्ट दे सके। हाँ, ये गार्लिक पाउडर है, वो गार्लिक चॉपिंग था। चॉपिंग, ओके। ये अप्लाई करने के बाद इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। कट करके सर्व करना है, मतलब पूरा प्रोसीजर अगर देखने जाए तो 10 से 15 मिनट का पूरा प्रोसीजर है ये। बिल्कुल, अभी जो हमने मार्क बनाया था वो मार्क पे ही हमें कट करना है। कट करना है, वो इजी हो गया, मतलब yes. कि पहले से आपने मार्क कर दिया तो वो इजी रहेगा कट करना। उसका स्मेल भी मतलब गार्लिक का काफी अच्छा आ रहा है इसमें। ये क्या होगा, आप फर्स्ट बाइट लोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें गार्लिक का टेस्ट है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम इस पे पाउडर अगर नहीं मारते हैं, सिर्फ गार्लिक रखते हैं तो सिर्फ जुबान पे ही लगता है, जैसे स्मेल भी बराबर नहीं आता है। नहीं, मतलब नॉर्मल जो गार्लिक ब्रेड स्टिक होता है इसमें वैसे ही होता है कि अंदर स्टफ ऐड करके और उसे बेक करके और बस उसके ऊपर ऐसे ही गार्लिक, मतलब अंदर ऐसे कोई टेस्ट नहीं आता या ऊपर से ऐसे कोई एक्स्ट्रा से कुछ ऐड नहीं किया, जाता है। बराबर, अभी आप देख सकते हो इसमें अंदर की जो सारी चीजें है वो सब मेल्ट हो चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं, चीज वगैरह सब कुछ मेल्ट हो चुका है अच्छे से एकदम। ये रेडी टू सर्व है, रेडी टू सर्व है। अब आप इसे टेस्ट करिए। ए, थैंक यू। રેડી થઈ ગઈ છે આપણી 5 ચીઝ સ્ટફ ગાર્લિક બ્રેડ। રીત લખાવતા પહેલા આપણે લઈશું એક બ્રેક। તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। નોટ કરી લો 5 ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ સ્ટિક બનાવવાની રીત। 5 ચીઝ ગાર્લિક સ્ટફ બનાવવા માટેની સામગ્રી: જલેબીનો 15-20 ગ્રામ, સ્વીટ કોર્ન 25-30 ગ્રામ, મોઝરેલા ચીઝ 60 ગ્રામ, ઓરેન્જ ચીઝ જરૂર મુજબ, કોલ્બી ચીઝ જરૂર મુજબ, મોન્ટેરી ચીઝ જરૂર મુજબ, પ્રોસેસ્ડ ચીઝ જરૂર મુજબ। સૌથી પહેલા એક 8 ઇંચનું પેન લો, તેમાં ડો મૂકો, તેને પેનમાં સ્પ્રેડ કરો, તે બાદ તેમાં ઓરેગાનો પાવડર એડ કરો, પછી સ્વીટ કોર્ન એડ કરો, 15-20 ગ્રામ જેટલા જલેબીનો નાખો, પછી મોઝરેલા અને ચેડાર ચીઝ એડ કરો અને તેટલા જ પ્રમાણમાં ઓરેન્જ, કોલ્બી અને મોન્ટેરી અને પ્રોસેસ્ડ ચીઝ એડ કરો, પછી બ્રેડને ફોલ્ડ કરો, પછી નોર્મલ હાથથી ચમચી વડે તેના પર કટ મૂકો અને કેકોસીન ઓઇલ એડ કરો, પછી ઓવનમાં પાસ કરો, પછી ગાર્નિશિંગ માટે પ્લેટમાં કાઢો, તેના પર ફરી બટર એડ કરો અને ગાર્લિક પાવડર નાખો, તો રેડી છે આપણી 5 ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ। તો આપણે શીખી 5 ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ સ્ટિક। હવે આપણે શેફ રાજ પાસેથી બીજી વાનગી શીખીશું। શેફ, પહેલા આપણે શીખાયા કે 5 સ્ટફ ગાર્લિક બ્રેડ હમે કેસે બનાના હૈ, વો રેસિપી ભી બહોત અચ્છી લગી, ઠીક હૈ। અબ ઇસકે બાદ આપ દૂસરા ક્યા બનાને વાલે હૈ? અભી મેં પિઝા બનાને વાલા હું મીડિયમ સાઇઝ કા, વો હૈ પિઝા કા નામ હૈ પેસ્ટો પેન્ટિંગ પિઝા। પેસ્ટો પેન્ટિંગ પિઝા, મતલબ નામ કાફી ઇન્ટરેસ્ટિંગ હૈ ઇસકા। પિઝા ભી આપકો ઇન્ટરેસ્ટિંગ લગેગા ક્યોંકિ વો પિઝા કે ઉપર જો હૈ પૂરા ડીપ કા કોટિંગ કિયા જાયેગા ઉસમે, इसीलिए उसका नाम पेंटिंग किया गया है। ओके, पेस्टो पेंटिंग पिज्जा। ओके, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे? इसमें बेस आएगा जो इस बेस का ये मैदे का बनता है, इसका 220 ग्राम वेट होता है और इसकी साइज होती है 10 इंचेस। जिसे हम पहले अपने पूरे तरह से स्प्रेड करेंगे, इसको बेस रेडी करेंगे। बेस रेडी करने के बाद अपने सॉस करना रहता है, फिर हाफ बैक करना होता है। हाफ बैक करने के बाद इसे हमें क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे, फिर उसे हम ओवन में बैक करेंगे ताकि पूरा चीज मेल्ट हो सके, ताकि हम उसे सर्व कर सके। तो अभी हम इसको रेडी करते हैं। और
इसको भी रेडी होने में 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा इसे भी। फिर इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है। नाम इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बेसिल डीप का बनता है, क्योंकि ये जो होता है ग्रीन सॉस होता है इसका, ग्रीन सॉस होता है। यस, और ये जो डीप होता है वो भी प्रीमियम डीप होता है क्योंकि उसमें आलमंड मिक्स होता है, काजू मिक्स होता है, उसका वो डीप बनता है। तो इसका टेस्ट कैसा आएगा, मतलब किसी का थोड़ा स्वीट होता है, किसी का ये लिटिल टैंगी आएगा, लिटिल टैंगी आएगा। यस, लेकिन पिज्जा जब रेडी होगा तो वो थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा टैंगी दोनों आएगा, स्वीटनेस भी बढ़ जाएगा, टेस्ट एक साथ मिलेंगे मतलब इसमें। ये रेडी हो गया, अब हम इस पे रिंग पे इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे, ओके। और फिर हमें इसे प्रूफिंग के लिए छोड़ना रहेगा। yes. हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए छोड़ना है। फिर इसे हम सॉस करना है, जो हमें घर पे कोई भी ऑथेंटिक सॉस होता है, जैसे टोमेटो की प्यूरी हो गई, अगर आप कोई भी ऐसे सॉस जिसको आप पसंद करते हो, जैसे मक्खनी हो गया, आप वो सॉस यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ ऑनियन की सॉस अगर आपको पसंद है तो सिर्फ वो भी यूज कर सकते हो आप। मतलब सॉस हम किसी भी तरीके का सॉस आप कोई भी यूज, अगर आप सिर्फ टोमेटो प्यूरी भी सॉस यूज करोगे तो भी हो सकता है। मतलब घर पे जो नॉर्मल हमारे पास इंग्रेडिएंट होते हैं उसे हम यूज करके हम अच्छे से अच्छा पिज्जा मतलब घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसे अब हमें सॉसिंग करना है। सॉसिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो ब्रेड है ये फूल ना जाए। अगर हम सॉसिंग नहीं करते हैं तो जैसे रोटी हम घर पे बनाते हैं तो कैसे फूल जाता है, फूल जाती है, वैसे ये भी फूल जाएगा, इसलिए हमें इसे सॉसिंग करना जरूरी है। और कोई भी सॉस हम यूज कर सकते हैं इसमें, तो मतलब कंपलसरी यही होना जरूरी नहीं है। नहीं, चिली सॉस हो गया या फिर नॉर्मल टोमेटो केचप आता है वो भी चलेगा इसमें, कोई भी आप सॉस यूज कर सकते हो। तो ये तो हम नॉर्मल इसलिए यूज करते हैं ताकि पिज्जा जो है वो रोटी की तरह फूल ना जाए। बिल्कुल। फिर इसको फ्लेवर चेंज करने के लिए हम अलग अलग डीप यूज करते हैं, जैसे हम अगर पेस्टो पेंटिंग बना रहे हैं तो बेसिल डीप यूज कर रहे हैं। थोड़ा इसके बताइए, ये जो आप जिस डीप के बारे में बात, डीप ऐसा है कि इसमें हम आलमंड और काजू यूज करते हैं, तो ये जो डीप होता है थोड़ा हेल्दी हो जाता है। तो जैसे कोई भी बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है या फिर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है जो हर बार पिज्जा सेम खा खा के वो परेशान हो गए, बोर हो जाते हैं। यस, थोड़ा अलग और यूनिक खाने के लिए आपको ये यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कलर भी होगा वो ग्रीन कलर का होगा, थोड़ा यूनिक होगा। इसमें हम थोड़ा सा चीज यूज करेंगे। अब इसके बाद हम इसे हाफ बैक करेंगे, हाफ बैक करना, ताकि ये प्रूफिंग हो सके। प्रूफिंग हो सके। और कितने टेम्परेचर पे हमें? 245 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा और डेढ़ मिनट, डेढ़ से दो मिनट हम इसे पास करेंगे। पास करेंगे और हाफ बैक पे ये रेडी हो जाएगा। जी, उसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, फिर वो पिज्जा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम फिर टेम्परेचर में उसको वापस ओवन में बैक करेंगे 245 डिग्री टेम्परेचर में, जिसकी टाइमिंग 3 से 4 मिनट होगी, वो पिज्जा हमें रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। तो पहले हम इसे हाफ बेक करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे हाफ बेक करते हैं। तो पिज्जा हाफ बेक थईने रेडी थई गयो छे। हवे आपणे आगळ शुं करवानुं छे सेफ? अभी हमें इसे कोटिंग करना है, इसे सारे स्टफिंग ऐड करना है, फिर चीज ऐड करके हमें इसे वापस ओवन में बैक करना है ताकि सारे चीज और टॉपिंग मेल्ट हो सके। सबसे तो पहले हम इसमें डीप ऐड करेंगे। इस डीप का नाम है बेसिल डीप। सॉरी, बेसिल डीप। बेसिल डीप। यस। आपने थोड़ी देर अभी पहले कहा था कि इसके अंदर आलमंड और काजू का, यस, और बेसिल पत्ता जो होता है वो इसमें मिक्स होता है, उसका ये बनता है। इसमें सबसे पहले हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, जो ग्रीन कैप्सिकम हम इसमें ऐड कर रहे हैं सबसे पहले। और कोई इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें? आपको टेस्ट वाइज जो कुछ भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। आपको टेस्ट क्या करना है, सपोज करो कि आपको इसमें स्वीट कॉर्न, रेड पेपरिका, मशरूम, जो भी ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो। जी जी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोपिनोज, जो उसके पीसेस कटे होंगे। वैसे एलोपिनोज के पीस बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो वो एक बार में मुंह में बाइट जब आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके पीसेस कट किए होते हैं, अचानक से खट्टा टेस्ट देने लगेगा। जी जी। इसके बाद हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर में भी कई तरह के होते हैं, ये हम मलाई पनीर यूज कर रहे हैं, मलाई पनीर इसमें यूज कर रहे हैं ताकि इसका सॉफ्टनेस बना रहे। अदरवाइज कई सारे ऐसे पनीर होते हैं जो थोड़ा कड़क हो जाते हैं ओवन में बेक करने के बाद, मतलब चबाने में भी थोड़ा हार्ड लगते हैं। यस, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, मलाई पनीर यूज करेंगे।
उसके बाद आएगा सबसे फाइनल चीज जो मोजरेला एंड चेडार का रहेगा। मोजरेला एंड चेडार ये दोनों मिक्स होगा, मोजरेला एंड चेडार। और इसे भी मिक्स में रखना जरूरी है इसे? यस, क्योंकि क्या होता है इसमें जो चीज का जो लेयर होता है, हम जब जैसे पिज्जा उठाते हैं उसके जो लेयर होते हैं वो क्या होता है, वो चेडार और मोजरेला दोनों मिक्स होने के बाद ही आता है। अगर सिर्फ हम चेडार करते हैं तो उसमें सिर्फ डॉट 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 रह जाएगा, वो पूरी तरह से उसमें फैलेगा ही नहीं। तो दोनों का मिश्रण साथ में रखना जरूरी है। यस यस। अगर ये दोनों चीज के अलावा नहीं हो तो फिर हम प्रोसेस चीज यूज कर सकते हैं। प्रोसेस चीज यूज करें। फिर उसके लिए क्या होगा कि आपका ओवन का जो टेम्परेचर होगा वो आपको टेम्परेचर कम करना रहेगा, आपको थोड़ा जल्दी निकालना रहेगा, क्योंकि प्रोसेस चीज क्या होता है थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है और वो जलने लगता है। तो फिर अगर उसमें पिज्जा अगर सही से नहीं पका तो? हाँ, वो चीज़ ऐसा होगा कि आपको फिर उसमें कई बार ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 245 डिग्री टेम्परेचर में नहीं पका, फिर आपको दूसरा टेम्परेचर सेट करना रहेगा। तो मतलब ये चीज़ ज़्यादा, हाँ, अगर हम ये यूज करते हैं तो ये क्या रेगुलर मिल जाता है हमें कहीं भी मोजरेला एंड चेडार, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा ईजी रहेगा। अभी ये हमारा सारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, इसे अभी हम ओवन में बैक करेंगे 245 डिग्री टेम्परेचर में 3 मिनट 45 सेकंड के लिए वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे बेक करते हैं। ओके। यस। पिज्जा बनीने रेडी थई गयो छे। अब शेफ इसे गार्निशिंग के लिए हमें क्या करना है इसमें? इसे हम तो सबसे पहले 6 पीसेस में कट करेंगे। 6 पीसेस में इसे कट करेंगे। इसमें 2 लोग सर्व हो सकते हैं, कोई भी 2 पोर्शन आराम से खा सकते हैं, सफिशिएंट रहेगा उनके लिए। हमने बेस बनाया था, देखो कितना पतला, अभी बेस कैसा दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ। बराबर? यस। हमें ये साइज वाइज परफेक्ट चीज बेक हो चुका है, कि बेक अभी पिज्जा प्रॉपर रेडी हो चुका है। इसके जो कॉर्नर है वो भी काफी दिखने में क्रिस्पी लग रहे हैं। यस, मतलब कुछ कुछ पिज्जा में ऐसा होता है कि वो जल जाते हैं, पर इसके बहुत ज्यादा क्रिस्पी और ब्राउनिश कलर आया इसके ऊपर, इसीलिए हमने सॉस जो है वो अंदर की तरफ रखा था। ओके। ताकि वो सॉस से यहाँ साइड में ना लगे और वो सॉस बाहर ना आए और उसका कलर भी अच्छा दिखे। अच्छा दिखे। अभी इसे हम कट करते हैं 6 पीसों में। सबसे पहले सेंटर से हमने कट किया, फिर एक ट्रायंगल में किया, वापस एक किया, 6 पीसेस जैसे ही कट होते हैं। उसके बाद हमें ये डीप है, ये डीप हमें अप्लाई करना है, जो पेंटिंग का जो था जी। ये अभी पेंटिंग होगा इस पे, ताकि तो ये इसकी मतलब खासियत ये है जी। इसका नीचे भी डीप आएगा और ऊपर से भी डीप आएगा, बनने के बाद भी इसके ऊपर इसे ऐसे गार्निशिंग के रूप में इसे यूज किया जाएगा। ये हो गया, अभी हमें इसे डायरेक्ट सर्व करना है। बिल्कुल। अभी हम इसमें ऑरेगोनो या चिली फ्लेक्स जो भी टेस्ट वाइज है। अभी रेडी टू यूज हो चुका है, अब आप इसे ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू। पेस्टो पेंटिंग पिज्जा रेडी छे, तो नोट करी लो तेनी रीत। पेस्टो पेंटिंग पिज्जा बनावा माटेनी सामग्री: मैदानो बेस, मलाई पनीर 8-10 पीस, कैप्सिकम जरूर प्रमाण मा, मोजरेला चीज 60 ग्राम, जेलेपिनो जरूर प्रमाण मा। बेस रेडी करो, तेने प्रूफिंग माटे 2-3 मिनिट मुकी दो, पछी तेना पर सॉस एड करो, થોડું ચીઝ એડ કરો, તે બાદ તેને હાફ બેક કરો, જેનાથી તેની થિકનેસ વધારે થઈ શકે। બેક થયા પછી કોટિંગ કરો, તેમાં સૌથી પહેલા બેઝલ ડીપ નાખો, તે બાદ કેપ્સિકમ એડ કરો, જેલેપીનો પનીર એડ કરો, પનીરમાં મલાઈ પનીરનો તમે ઉપયોગ કરો, તે બાદ મોઝરેલા અને ચેડાર ચીઝ એડ કરો, તેને ઓવનમાં મૂકો 3 મિનિટ માટે, પછી પિઝા બહાર કાઢો, 6 પીસમાં તેને કટ કરો, તેને ગાર્નિશિંગ કરો અને ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ સાથે પિઝાને સર્વ કરો। તો રેડી છે આપનો પેસ્ટો પેઇન્ટિંગ પિઝા। તો આજે ફૂડ કોર્ટની આ સફરમાં આપણે શીખ્યા 2 નવી પિઝાની વેરાયટી। તો આવી જ અવનવી વેરાયટીઝ માટે જોતા રહો ફૂડ કોર્ટ।
दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय तिरुपति कॉटन सीड ऑयल, मेरे और मेरे फैमिली के लिए बेस्ट है।